क्या आपको भी फुल आफ्टर फुल मार्क्स चाहिए और स्ट्रेस है कि मैं क्या टॉपिक चूज करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम जानवी। आज मैं आप लोगों को 5 डिफरेंट बट इजी एंड सिंपल टॉपिक बताने वाली हूँ आपके क्लास 12th के बायोलॉजी के प्रोजेक्ट के लिए। देखिए, सबके साथ होता है ये, एक स्ट्रेस वाली चीज़ होती है, एक सर में दर्द करने वाली चीज़ होती है कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर फाइल बनाऊँ, मैं क्या चूज़ करूँ, क्या आसान रहेगा और क्या सबसे डिफरेंट रहेगा, टीचर किसको देख के खुश होएगा। सबको इजी भी चाहिए बट डिफरेंट भी चाहिए, और सबको ये भी चाहिए कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बने क्योंकि मुझे फुल में से फुल मार्क्स चाहिए। तो डोंट वरी, मैं आज आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताऊँगी और मैं और भी वीडियोज़ डालूँगी, और भी टॉपिक्स हैं मेरे पास और मेरे चैनल पे पहले भी वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। नहीं, मैं सारे टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ उनकी हेडलाइंस आपको बताऊँगी कि आप अपना प्रोजेक्ट रेडी कैसे कर सकते हैं उस टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन में चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। और ये मेरे चैनल पर बहुत अच्छे व्यूज़ वाली वीडियोज़ हैं, इनको देख सकते हैं आप। तो मूव ऑन करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्लड क्लॉटिंग। गाइज, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है किसी को सुनने में मुश्किल लग रहा हो, लेकिन है नहीं। ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक डिफरेंट टॉपिक है, सब उसके ऊपर फाइल नहीं बनाते हैं। देन आराम से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत मुश्किल भी नहीं है, और अगर आप लोग एक अच्छा टॉपिक है एक जर्नल लाइफ में भी समझने के लिए, ठीक है, YouTube से आराम से समझ सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, क्या उसका सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म है, राइट। जर्नली 3 स्टेजेस में वो अकर होता है, ठीक है, उसकी तीनों स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करनी है, क्या क्या उसकी प्रिवेंशंस हैं, ठीक है, राइट। उसका टेस्ट ऑफ क्लॉटिंग क्या है, आप लोगों को ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाएगा आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के। यूट्यूब से समझ सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं और मेरी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। इसमें सिंपल टॉपिक है, अगर आपको ईजी ही चाहिए ना, बिल्कुल ईजी, तो वो इन वीडियोज़ में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, टॉपिक सारे के सारे ही अच्छे हैं। देन मूव ऑन करते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, हाँ जी, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है आप इसको समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अगर आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, इससे रिलेटेड चीज़ों में, आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मुश्किल नहीं है समझना, फाइल रेडी करना, सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट चाहिए, अगर है तो ही फाइल बनाइएगा, वरना किसी भी टॉपिक के ऊपर फाइल मत बनाइएगा जो आपको समझ नहीं आता है, राइट। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जीन थेरेपी को एक्सप्लेन करना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देनी है, आइसोलेशन ऑफ जीन बताना है, जीन टारगेटिंग बताना है, डिलीवरी, केस स्टडी, डिजीजेस, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, एथिकल इश्यूज, रीसेंट अपकमिंग, कॉन्क्लूजन, जेनेटिक कॉन्क्लूजन लास्ट में आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सक्सेस रेट क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं, सॉरी ये दोबारा बता दिया, ठीक है। आराम से अपने फाइल के ऊपर स्टडी करने के बाद फाइल बनाइएगा, उस टॉपिक को समझने के बाद अपनी फाइल बनानी है, राइट, क्योंकि टीचर क्रॉस क्वेश्चन करता है, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको आंसर देना होगा, अगर आप आंसर नहीं देंगे कितनी भी अच्छी फाइल बना लें टीचर मार्क्स काटेगा। तो आंसर भी दीजिए और फाइल भी अच्छी बनाइए और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आइए, राइट। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो आप आराम से अपने चीज़ें कर लेंगे बिना किसी टेंशन के, और जितना ज़बरदस्ती मुश्किल यूनिक टॉपिक ढूंढेंगे ना, आपके लिए ही परेशानी होगी। तो ज़्यादा यूनिक टॉपिक में मत घुसना, सिर्फ समझने में घुसना। देन हमारा थर्ड टॉपिक आता है, जो कि है ओजोन डिप्लीशन। हाँ जी, एक ह्यूमन होने के नाते, एक बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते, ओजोन डिप्लीशन के बारे में आपको वैसे भी जर्नली पता होना चाहिए, और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप 12th में ही पढ़ेंगे, ये पहले भी पढ़ाया जाता है क्लासेस में, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो आप लोग अगर फाइल बनाना चाहते हैं तो अच्छा होगा, पढ़ पाएंगे, कंटेंट आराम से मिल जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, ओजोन लेयर को एक्सप्लेन करना है, ओजोन होल को एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करेंगे कि ओजोन डिप्लीशन है क्या। देन 2019 में आई थिंक इसकी रिपोर्ट आई थी मेजरमेंट की, आप लोग उसको अपनी फाइल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं,
राइट। देन इसके कॉजेज़ क्या हैं, एनिमल के ऊपर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के ऊपर, एयर क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है ये, क्या क्या इसके हमारे ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं। देन इंटरनेशनल एक्शंस क्या क्या लिए गए हैं हमारे ओजोन डिप्लीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इंटरनेशनल एक्शंस लिए गए हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में, लास्ट में कॉन्क्लूजन पे जाइएगा, तो हम लोग मूव करेंगे अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ जो कि है IVF। IVF मेडिकल स्टूडेंट्स का, तो जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है उनके लिए तो इंटरेस्टिंग टॉपिक होना ही चाहिए। और ये जर्नली भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप लोगों को लगे बहुत टफ है, बट एक डिफरेंट टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हर बच्चा फाइल नहीं बनाता है। तो IVF के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि IVF एक चीज़ क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या इसका प्रोसेस है, हिस्ट्री बतानी है, प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या सक्सेस और फेलियर उसका रेट है, देन टेक्निकल एडवांसमेंट क्या क्या आई हैं इस प्रोसेस में, कैसे हेल्प करता है लोगों को, इसका रिकॉर्ड क्या है अराउंड द ग्लोब। ओके, फिर हमारा लास्ट बट अच्छा टॉपिक आता है फिफ्थ वाला जो कि है प्लांट सेल। ना ना ना, इसको बोरिंग बेकार टॉपिक समझने की गलती मत करना, ये एक आसान टॉपिक है, दूसरा आपको क्लास पे पढ़ाया जाता है, आपके कोर्स में है, तीसरा इसका कंटेंट यूट्यूब पे, गूगल पे आराम से आपको मिल जाएगा, ज़्यादा झंझट नहीं करने पड़ेंगे ढूंढने में। देन इसकी आप आराम से फाइल रेडी कर पाएंगे और आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। और ये सिंपल है यार, आराम से, अगर सिंपल कोई चाहिए समझने के लिए, आराम से आप इसके ऊपर फाइल बना सकते हैं आंखें बंद करके। देन क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है, प्लांट सेल क्या होती हैं, ठीक है, उसका डायग्राम बताना है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताना है, प्रॉपर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल वॉल जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन करना, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू शो करनी है, प्लांट सेल के टाइप्स क्या क्या हैं, देन उनके फंक्शंस, वही सब चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट में डालनी है, देन आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इनके ऊपर मैं प्रॉपर प्रोजेक्ट आपके लिए पोस्ट करूं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, आप लोग वहां से देख के अपनी फाइल रेडी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आंसर करने की। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से एग्ज़ाम करना, बेस्ट ऑफ लक, बाय।